हाय फ्रेंड्स, 280 करोड़ का ये ऑर्डर बुक किया है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है और साथ ही साथ आपका जो रिसीव किया है ऑर्डर 88 करोड़ के ऊपर पेरिट्री इन्फोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो इनसे इनको ऑर्डर मिला है लगभग 88 करोड़ के आसपास। तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो आपका क्या सप्लाई करता है, ये सप्लाई करता है सर्विलेंस क्वाड कॉपर्स विथ एक्सेसरीज। मेन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये ऑर्डर रिसीव किया है किससे, ना पेरिट्री इन्फोटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से। 12 मंथ्स, एक साल के अंदर ये कंप्लीट होगा जितना भी ये प्रोजेक्ट मिला है 88 करोड़ का। टोटल अगर देखा जाए तो कितना, 280 करोड़ का आपको ये टोटल ऑर्डर बुक मिला है। क्वार्टरली रिजल्ट्स और नेट सेल देखा जाए तो 97 करोड़ का है, जो लगभग क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट सेल जो है 99 करोड़ का। तो उस हिसाब से आपका 2% क्या है, डाउन है 2%, लेकिन नेट प्रॉफिट डिक्रीज किया है थोड़ा बहुत। कंपनी करंट ऑर्डर जो बुक किया है लगभग 300 करोड़ के आसपास, जो 280 करोड़ बैठ रहा है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्या कामकाज करता है, बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जो UAV और UAS के नाम पे जाना जाता है, फॉर मैपिंग सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। दिस ड्रोन्स आर कैपेबल्स ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ माइनिंग एरिया प्लानिंग एंड मैपिंग एप्लीकेशंस। तो ये सब में आपका ये कंपनी जो है कामकाज करता है। कंपनी का और देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर क्या है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल भी है, जैसे कि UAV का बता रहा था, ये मैपिंग करने में काम करता है, सिक्योरिटी और सर्विलेंस करने में काम आता है, और कभी कभी आपको वाइड रेंज माइनिंग एरिया में प्लानिंग और मैपिंग एप्लीकेशन में भी काम आता है। IPO लॉट साइज वाज 22 शेयर्स, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड 14,784। तो ये आपका प्राइस बैंड इशू किया है और साथ ही साथ आपका टेक्नोलॉजी प्लान्स किया है 0.30 पर शेयर का। तो ये आपका फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी और सर्विलेंस हमें एक जगह बैठे बैठे ही दूसरे जगह का करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में आसानी होगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो ब्राइट फ्यूचर है। आपका नज़र हमेशा इस स्टॉक में भी रखना चाहिए।